जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिट्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। बिट्स के ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, क्योंकि ये कैसा पेनी स्टॉक निकल कर सामने आ रहा है जिसमें पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी ही तेजी देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। पेनी स्टॉक का यही खूबसूरती मुझे बहुत पसंद है, जब चलते हैं तो रॉकेट की रफ्तार से चलते हैं, और जो इनके निवेशक होते हैं, जिन लोगों ने भी इसमें अपना पैसा लगाया होता है, इस कंपनी के शेयर्स को बाय किया होता है, उसको डबल ट्रिपल करते हुए चलता है तो अंधाधुंध चलता है, बिना रुके चलता है। यहाँ पे मैं चार्ट पर आपको दिखाऊंगा, कंपनी ने पिछले कुछ समय में जबरदस्त रिटर्न निकाल कर आपको दिया है, और आगे भी ये तेजी जो यहाँ पे 2-2, 3-3%, 5-5% के एक दिनों में देखने को मिल रही है, आगे भी तेजी कंटिन्यू बनी रहेगी। तो आखिर से कौन सी वो अपडेट है, क्या न्यूज निकल कर सामने है जिसके बदौलत कंपनी का शेयर प्राइस रॉकेट की रफ्तार सुपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है, चलिए इस वीडियो में इसको समझने का पुरजोर कोशिश करते हैं। बताऊंगा कोई व्यक्ति अभी तक इसमें बाई नहीं कर पाया है तो कहाँ पे किस लेवल पे बाई कर सकता है, और जिसके पास पहले से इन्वेस्टमेंट है किस लेवल पे उसको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, सारी बातों को इस वीडियो में हम लोग आसान भाषा में समझने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जब यहाँ पे मैं आपको इस कंपनी के रिटर्न्स के बारे में दिखाऊंगा एक झलक, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि एक दिन का रिटर्न जो आप देखते हैं तकरीबन 2% का रिटर्न सिर्फ आज मिला है, और वहीं पिछले एक सप्ताह में बात करें, क्योंकि एक सप्ताह में सिर्फ 5 दिन मार्केट ओपन रहती है, तो एक सप्ताह में तकरीबन इस स्टॉक ने 8% का रिटर्न निकाल कर दिया है, जबकि आपका पैसा यदि बैंक में होता है तो बैंक में पूरे एक साल में भी 8% का रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 8% का रिटर्न सिर्फ एक सप्ताह में मिलते हुए दिखाई है। पेनी स्टॉक की ताकत होती है, यहाँ पर समझिए एक मंथ का रिटर्न देखेंगे तो तकरीबन 47% मान लीजिए, इसको 47% का रिटर्न निकाल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति एक मंथ में यदि 1 लाख रुपए लगाया होगा तो उसके रिटर्न पे वो पैसा 1,47,000 बन गया होगा अभी तक। ये पेनी स्टॉक का ही कमाल होता है, क्योंकि जो बड़े स्टॉक्स होते हैं वो इतने हेवी रिटर्न एक मंथ में नहीं दे सकते, मैं गारंटी दे सकता हूँ। 6 मंथ का रिटर्न भी देख लीजिए, 157%, 1 लाख रुपया यहाँ पे आपको 2,57,000 के करीब बनते हुए दिखा है सिर्फ और सिर्फ पिछले 6 मंथ में। बीएस इंडेक्स वेबसाइट पर जब आप इस स्टॉक को देखते हैं बिट्स लिमिटेड को, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक है अभी ESM 2 में। सामान्यतः कोई स्टॉक यदि रेड फ्लैग में होता है जिसमें ESM या SM की कैटेगरी लगी हुई होती है तो इस स्टॉक में निगेटिविटी आ जाती है और शेयर का प्राइस वहाँ पे डाउन जाने लगता है, सामान्यतः ऐसा देखने को मिलता है, मैं अपने वीडियो में इसको दिखाते रहता हूँ। लेकिन यहाँ पे जब आप नोटिफिकेशन में देखते हैं तो यहाँ पे आपको हैरत अंगेज कारनामा देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक में तो लोअर सॉरी अपर सर्किट लग रहा है, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये स्टॉक अपर सर्किट में चला, और जब जब अपर सर्किट लग रहा है एक नया पावर में का हाई बना रहा है, क्योंकि स्टॉक जैसे मैंने आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि अभी ऑल टाइम हाई पे है ये स्टॉक, और ऑल टाइम हाई पे होने की वजह से जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है तो हर रोज एक नया हाई कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बनाते हुए चल रहा है। तो ऐसे में अब मेन सवाल ये उठता है, जिसके पास इस कंपनी के शेयर है उसके तो बल्ले बल्ले हैं, जो व्यक्ति अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए हैं वो किस लेवल पर बाई कर सकते हैं, चलिए उसको हम लोग समझते हैं। देखिए बिट्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये समझना होगा कंपनी काम क्या करते हैं और कंपनी का फंडामेंटल कैसे है। सिर्फ कंपनी के शेयर प्राइस की तेजी को देख के हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तमाम चीजों को परखना होता है। तो जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था तो आपको बताया था, कंपनी बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, होटल मैनेजमेंट, तमाम तरह के जो मतलब कह सकते हैं कि बिजनेसेस है उसमें कूदी हुई है, और जब एक कंपनी मल्टीपल बिजनेस में कूदी होती है तो उसके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मान लीजिए आईटी सेक्टर में भी कंपनी काम करती है, आईटी सेक्टर में कभी मंदा रहा, सॉफ्टवेयर और फेयर में कोई दिक्कत आ गया, या आईटी सेक्टर वैसे भी पूरे साल भर तेजी में नहीं रहते, लेकिन जो बाकी के बिजनेस है जैसे कमर्शियल सेक्टर का बिजनेस हो गया, साइंस का जो बिजनेस हो गया, इसमें तो तेजी रहेगी, ऐसा नहीं कि हर एक सेक्टर ही डाउन रहेगा। तो इसलिए इस कंपनी के काम के बेसिस पे देखेंगे तो शेयर प्राइस में लंबे टाइम में भी तेजी देखने को मिलेगी। प्लस 101 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि 100 करोड़ से ऊपर के वैल्यूएशन वाली कंपनी, तो सेफ जोन में ऐसी भी आ जाती है, इसलिए कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आरओई और आरओसी देखेंगे तो 12% के आसपास से एक कमाल का आरओई निकल कर सामने आता है, आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छा खासा रिटर्न कंपनी साल भर में जनरेट करके दे सकती है। वहीं पे जब आप इस कंपनी के इन्वेस्टर्स को देखते हैं तो कंपनी में आपको देखने को मिलेगा कंपनी के खुद इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 65% के आसपास है, जबकि आप याद कीजिए ऐसा कोई भी पेनी स्टॉक आप उसको बताइए जिसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी तकरीबन 65% के आसपास है, यानी कि इस कंपनी के जो मालिक हैं उनका इसमें पैसा लगा हुआ, और कि कोई भी कंपनी का जो मालिक है नहीं चाहेगा कि उसकी कंपनी का शेयर प्राइस किसी भी वजह से डाउन आए या कंपनी को नुकसान हो। तो जब हिस्सेदारी है तो ये हमेशा चाहेंगे कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाए, इसके लिए ठीक से काम करेंगे और प्राइस को लेकर ऊपर ही जाएंगे लॉन्ग टर्म। बाकी पब्लिक की हिस्सेदारी यहाँ पर आप देखेंगे 34% के आसपास है। ओवरऑल जब आप बैलेंस शीट देखें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कंपनी के पास कोई डेब्ट नहीं है, एकदम डेब्ट फ्री कंपनी है, तो यह भी एक अच्छी बात निकलकर सामने आ जाती है। कंपनी के पास कोई कर्जा भी नहीं है, यानी कि कंपनी जो अपने प्रॉफिट से पैसा कमा रही है, यहाँ पर जो आप देखेंगे सेल्स भी कंपनी का ग्रो हो रहा है धीरे धीरे, कंटिन्यूस बेसिस पे देखें तो सेल्स बढ़ ही रहा है, और सेल्स बढ़ने के साथ साथ जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है जो टैक्स वैक्स देने के बाद बचता है कंपनी के पास, यह भी देखेंगे। हालांकि इस एक क्वार्टर में छोड़ दें तो ओवरऑल देखेंगे कंटिन्यूस बेसिस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यह भी बढ़ रहा है। अब बात करते हैं
कंपनी के चार्ट पैटर्न की। यहाँ पे देखिए एक साल के चार्ट पर आप स्पष्ट देखेंगे कंपनी का शेयर प्राइस जब से चलना शुरू हुआ है, एक साल का क्या मैं कोई भी चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ 3 साल 5 साल का, तो वहां से आपको देखने को मिलेगा कि कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के बाद स्टॉक ने लंबी तेजी दिखाई है। इसलिए मैं कहता हूँ यदि कोई स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में है तो आपको धैर्य के साथ काम लेना चाहिए, उसमें आप सही समय पे एंट्री लेते हैं यदि यहाँ पे ब्रेकआउट पे, तो आपको अच्छा खासा मौका मिल सकता था। या जिन लोगों ने भी कंसोलिडेशन इस फेज को समझा और यहाँ पे पैसा अपने लगाया होगा वो अभी मजे में होंगे। अभी नया व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जब तक कि इसमें करेक्शन आए, प्राइस नीचे आएगा, नीचे से जब ऊपर उठने लगेगा फिर आप ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे, या नीचे से जब ऊपर उठने लगे तो यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल प्राइस को नीचे आने का आपको वेट करना होगा, अभी चढ़ती रेलगाड़ी में उतना नहीं है। बिट्स लिमिटेड के बारे में अभी यही अपडेट है जो मैंने आपको बताया, अभी इसमें तेजी बनी रहेगी। नया व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं तो उन्हें वेट करना होगा और सही लेवल देखने के बाद फिर आपको वीडियो बनाकर अपडेट करूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो में जो जानकारी दी समझ में आ रहा होगा। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।